जुटाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। ये रकम बैंक इक्विटी और डेट के जरिए जुटाने की योजना है। साथ ही बोर्ड ने एर्विन ब्राइच के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि बोर्ड की अगली बैठक में साइटेक्स के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। जी हाँ, यस बैंक के लिए एक बड़ी खबर। एक बोर्ड मीटिंग हुई और जैसा उम्मीद की जा रही थी कि यस बैंक बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की जो बोर्ड बैठक थी वो मंजूरी दी। बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए अब यस बैंक आगे कुछ महीनों में जुटाने की बात कर रही है और इसको जुटाने के लिए QIP, GDR, FCCB या ADR के तहत प्राइवेट प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे और इसके लिए बोर्ड अप्रूवल मिल गई है। दूसरा, शेयर होल्डर्स अप्रूवल के लिए आप देखेंगे कि EGM एक बुलाई जाएगी जो कि ये मंजूरी देगी पैसे जुटाने की जो बात हुई है। इसके अलावा जो एक बहुत अहम बात की गई है इस बोर्ड बैठक में वो है जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं यस बैंक में वो उनके जो प्रपोजल थे, स्पेशली अगर आप देखें तो अरविंद सिंह ब्रिज और SPGP होल्डिंग्स का जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट था उस पर बैंक को इस बोर्ड मीटिंग में ये चर्चा हुई क्योंकि उनको एक अपडेटेड प्रपोजल मिला जिसकी वैलिडिटी 31 जनवरी 2020 तक की थी। बैंक ने ये डिसीजन लिया और बोर्ड ने डिसीजन लिया कि वो ये ऑफर आगे नहीं लेके जाएंगे। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनका जो प्रपोजल है वो अब नहीं डिस्कस होगा, वो एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब क्या, किस पर काम कर रहे हैं, कौन से पोटेंशियल इन्वेस्टर है जिससे यस बैंक बात कर रही है, इसमें बात की है। बोर्ड ने बोला है कि वो फेवरेबली कंसिडर करेंगे जो ऑफर दिया गया है सिटैक्स होल्डिंग्स के द्वारा एंड सिटैक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप। $500 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सिटैक्स ग्रुप की तरफ से आया है उस पर डिसीजन लिया जाएगा मगर वो अगली बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। अभी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, नेक्स्ट हियरिंग में ये बात होगी। बट जो पहला इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया आपको अरविंद सिंह ब्रिज और SPGP इनके इन्वेस्टमेंट को बोर्ड ने नामंजूरी दी है और सिटैक्स होल्डिंग्स के $500 मिलियन के इन्वेस्टमेंट को बोर्ड अब अगली मीटिंग में डिस्कस करेगी। तो एक अच्छी खबर यस बैंक के लिए आते हुए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना और पोटेंशियल इन्वेस्टर की बातचीत अगली मीटिंग में।